हूँ शालिनी, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की नान खटाई बनाना बता रही हूँ। आज आप मेरी रेसिपी में देखेंगे कि मैंने पतीले में नान खटाई बनाई है। इस प्रोसेस का यूज करके आप कढ़ाई में, कुकर में भी नान खटाई बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि परफेक्ट नान खटाई घर में कैसे बनती है। और अगर आपको मेरी नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बेसन की नान खटाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप मैदा, 1 कप मैंने नमक लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर पतीले में नान खटाई बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ नमक का यूज़ करूँगी, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच सूजी, 10 से 12 कटे हुए बादाम, मैंने बादाम को इस तरीके से काट लिया है, आप चाहे तो पिस्ता भी ले सकते हैं, और 1 कप घी। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान खटाई के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 1 बाउल में घी डालेंगे, मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी डालेंगे, डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी और घी को हमें इतनी देर तक मिलाना है जब तक कि अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये हैंड बिस्कर ले रही हूँ, उसकी सहायता से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे, मैदा, सूजी, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, और डालकर हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर हाथों की सहायता से सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए आप, नान खटाई का डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम नान खटाई बनाने से पहले अपना ओवन तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नान खटाई एक पतीले में बना रही हूँ। पतीले में हम नमक डालेंगे और नमक को हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम गैस को ऑन करेंगे। मैं यहाँ पर पतीले में इस तरीके का ये स्टैंड है इसको रखूँगी। आप चाहें तो स्टैंड की जगह 3 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम पतीले को एक ढक्कन से ढक देंगे और पतीले को हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पतीला प्री हीट हो रहा है तो हम नान खटाई बना लेते हैं। मैं यहाँ पर नान खटाई एक प्लेट में बना रही हूँ, प्लेट में मैं उनको रखूँगी। तो प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो हम घी से थोड़ा हाथों को ग्रीस करेंगे और मिक्सचर में से हम थोड़ा सा डोलेंगे, ये देखिए, और इसको हम हाथों की सहायता से पेड़े का आकार देंगे, ये देखिए, इस तरीके का हम यहाँ पर पेड़ा बनाएंगे और इसको हम प्लेट में रखेंगे और इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। जब भी आप नान खटाई बनाएं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी या दूध का यूज़ बिल्कुल ना करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 6 नान खटाई बना ली है। मैं नान खटाई के ऊपर इस तरीके से कट लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये फॉग लिया है, आप चाहें तो नाइफ से भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी डो के भी नान खटाई बना लेंगे। अब हम नान खटाई के ऊपर बादाम लगाएंगे, आप यहाँ बादाम की जगह पिस्ता भी ले सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर सारी नान खटाइयों को तैयार कर लिया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने एक प्लेट में सिर्फ 6 नान खटाई रखी हैं, मैंने इनको दूर दूर रखा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप नान खटाई को प्लेट में रखें तो उनको गैप करके रखें, क्योंकि ये सिकते समय फूलती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इनको आप गैप में ही रखें। तो अब हम चलते हैं पतीले की तरफ। मैंने यहाँ पर पतीले को प्री हीट होने के लिए रखा था, तो हम पतीले को खोल के देखेंगे। अब हम इस प्लेट को जाली के ऊपर रखेंगे और हम पतीले को ढक्कन से बंद कर देंगे। अब हमें नान खटाई को पकाना है, तो गैस को हम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम नान खटाई को 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। और आप एक बात का ध्यान रखें कि इसको आप बीच बीच में चेक करते रहें। आइए हम पतीले को एक बार खोल के देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि नान खटाई हमारी फूल रही है। तो अब इनको फिर से कवर कर देंगे। 25 मिनट हो गए हैं तो हम नान खटाई को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, नान खटाई हमारी एकदम तैयार है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इनको प्लेट से बाहर निकालेंगे। भगोना हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम नान खटाई की प्लेट को बाहर निकालते हैं। ये देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि नान खटाई हमारी ये फट गई है। जब ये अच्छे से पक जाती है तो इस तरीके से ये फट जाती है। बेसन की नान खटाई हमारी एकदम तैयार है। इसको आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आपको मेरे बेसन की नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।